हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं कैप्टन शताब्दी चैटर्जी चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। अभी तक आप लोगों ने अगर ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और पास में एक बेल आइकन है उसको दबाइए ताकि नया वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आज मैं जिस विषय को लेके बात करूँगी वो बहुत ही आपका एक फेवरेट विषय है, वो है वैकेंसीज एट दिल्ली एयरपोर्ट। इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, बट वैकेंसीज हर रोज़ निकलते रहता है। सो आपको मैं इस हफ्ते का जानकारी दे दूँ कि किस किस एयरलाइंस या फिर किस किस एयरपोर्ट कंपनी में वैकेंसीज आया हुआ है, जहाँ पे आप डिफरेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट उसके साथ साथ मैं आपको ये बोलूँ कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 10th के बाद पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आप मेरा ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। 10th हो, 12th हो, आप अपने अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट मैं आऊँगी दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड। इस कंपनी में वैकेंसीज चल रहा है CSA कस्टमर सर्विस एसोसिएट का, जो फूड स्टॉल है। यहाँ पे आप 12th पास होना चाहिए आपको। आपको इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा अच्छा जानकार होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा कम होने से भी चलेगा। बट आपका जो पोस्ट मिलेगा वो कस्टमर सर्विस एसोसिएट मिलेगा, जो एयरपोर्ट में एक बहुत बड़ा पोस्ट माना जाता है, जो एक ऑफिसर लेवल का पोस्ट है। एयरपोर्ट में हर काम डायरेक्टली पैसेंजर से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली आपको ये मत सोचिए कि आपको बैठ के काम करना पड़ेगा, आपका काम खड़ा होकर भी करना पड़ेगा, क्योंकि पैसेंजर को ग्रीट करने के लिए यू हैव टू वर्क हार्ड। एंड वही मेंटेलिटी ला के चलिएगा। अगर हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में काम करने का आपका मेंटेलिटी है तो दिव्यानी इंटरनेशनल में आप ज़रूर अप्लाई करिए। इसमें आपको 12th पास मिनिमम होना चाहिए फ्रॉम एनी स्ट्रीम। नेक्सस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसमें हेल्पर इलेक्ट्रिकल वेल्डर चाहिए। सैलरी 12,000 रुपया है। इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड या वेल्डिंग में आपका एक्सपीरियंसेस या कोई सर्टिफिकेट है। एस लॉजिस्टिक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पोस्ट लोडर असिस्टेंट, सैलरी 12K, लोकेशन T2 कार्गो एयर इंडिया में, एंड क्वालिफिकेशन 10th और अबव, पास पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट और पासपोर्ट मस्ट। इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 10th लेवल में अगर आप पास करेंगे उसके बाद भी ये पोस्ट आप कर सकते हैं। जागुअर कंपनी बोल के एक कंपनी है जो इंडिगो के लिए काम करता है, उसका क्रूज सिक्योरिटी मतलब केबिन क्रूज सिक्योरिटी बोल के एक पोस्ट होता है। इस पोस्ट में सैलरी 18,000 है। हाइट 5'7" होना चाहिए। इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको 12th पास होना पड़ेगा मिनिमम। चकोला कंपनी पोस्ट जीआरई पोस्ट मतलब गेस्ट रिलेशन एग्जीक्यूटिव है। सैलरी 19,000। आपका रिटेल सेक्टर में 1 ईयर काम करने का एक्सपीरियंस होने से अच्छा है एंड 12th पास मिनिमम होना चाहिए। सेकंड जो एक और भी मैं बताऊं, 12th पास के लिए एक पेंट्री बॉय का पोस्ट भी आया हुआ है एयरपोर्ट पर, जिसका सैलरी होगा 16,000 एंड पास होगा 12th। बट मैं आपको बताऊं कि ये सारे पोस्ट के लिए आपको पुलिस वेरिफिकेशन या पासपोर्ट होना मस्ट है। अगर आपके पास पासपोर्ट ना है अभी भी अप्लाई कर दीजिए एंड पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आप लेके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका वैलिडिटी 3 मंथ्स होता है। 3 मंथ्स के बाद, 3 मंथ्स के अंदर आपको पासपोर्ट लाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ जो है एयरपोर्ट में, दिल्ली एयरपोर्ट में ये सारा वैकेंसीज चल रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे वैकेंसीज चल रहा है, बट आज के लिए मैं इतना ही बोलूँगी कि अगर आपका कोई भी क्वेरीज है इस सिलसिले में तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस है capt.satabdi@gmail.com। आपका कोई भी क्वेरीज अगर है आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, हम डेफिनेटली मैं उसका जवाब दूंगी एंड उसी के हिसाब से यू कैन मेक योर करियर। मैंने आपको एक बार ये भी बोला था कि हमारे सब्सक्राइबर्स में जो दिल्ली गुड़गांव में रहते हैं वो काइंडली मुझे मेल करके बताइए, क्योंकि मैं एक कोई लकी सब्सक्राइबर के लिए मैं एक 3 डेज वर्कशॉप कम्प्लीटली फ्री करवाऊँगी, एंड ताकि वो आप लोगों को बता सके कि क्या डिफरेंस उनके पर्सनालिटी में या फिर उनके ट्रेनिंग में होता है, कि एक ट्रेनिंग के बाद, ट्रेनिंग से पहले एंड ट्रेनिंग के बाद इसका कैसे एक्सपीरियंस होता है। बहुत कुछ है इस वीडियो में एंड डेफिनेटली मैं आपको और एक बार बोलूँ, अभी तक अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। खाली आप जो सब्सक्राइब जो बॉटम है रेड कलर का उसको दबा दीजिए एंड साथ ही में एक बेल आइकन होगा उसको भी दबाइए ताकि आपके पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आ जाए। दिस इज इनफ फॉर टुडे। आज मैं यहीं पे अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ। अगले हफ्ते नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।